में मैंने इसको कहने की कोशिश की है नहीं। कुछ नई चीजें हैं सर जी, सुनिएगा, आप शायद पहली बार सुनेंगे जी। ये आप ही हमसे मिलना न चाहे अगर, क्यों जमाने के पहरों से शिकवा करें। आपको अगर प्यारी है तन्हाइयां, क्यों बेजान अधरों से शिकवा करें। व्यक्ति जो चाहता है उसे मिल जाए तो संभव नहीं है। हम किसी से प्यार की अपेक्षा करते हैं। देखिए, इस दौर में मेरा मानना यह है कि व्यक्ति दो चीजें अगर गलत समझता है तो जिंदगी भर उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वह मिलने को मोहब्बत और परिचय को प्यार समझ ले तो यह मान के चलिएगा कि जिंदगी भर उसको रोना ही है। बढ़िया बात। तो मैंने इसमें कहने की कोशिश की है कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए जरूरी नहीं है। बस यही मेरा पहला बंद है गीत का कि मैंने मांगे थे मिलने के दो चार पल, तुमने बिरहा के संगीन दलदल दिए। क्या बात। मैंने चाहा था चंदन की एक डाल को, तुमने मुझको बबूलों के जंगल दिए। अगर नावों की निभ जाए पतवार से, पतवार से, अगर नावों की निभ जाए पतवार से, क्यों समंदर की लहरों से शिकवा करें। अगर नावों की निभ जाए पतवार से, क्यों समंदर की लहरों से शिकवा करें। आपको देखिए, हम जब अपनों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार से, अपने परिचय से, परिचित से, हमको जब वहां से प्यार नहीं मिलता है और स्नेह हम दूसरी जगह से ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब क्या स्थितियां बनती हैं देखिएगा। कि पेड़ चट्टान पर भी लगे देख कर, बीज समतल धरा पर कई बो दिए। पेड़ चट्टान पर भी लगे देख कर, बीज समतल धरा पर कई बो दिए। हर एक मौसम में सींची सभी क्यारियां, नर्सरी देख बर्बाद हम रो दिए। गर जमीने ही खेती की बंजर रही, बंजर रही, गर जमीने ही खेती की बंजर रही, क्यों कुओं और नहरों से शिकवा करें। गर जमीने ही खेती की बंजर रही, क्यों कुओं और नहरों से शिकवा करें। आपको आखिरी मतवा वादा करने के बाद कुछ लोग वादा नहीं निभाते हैं। देखिए, प्यार और पर्यावरण को एक साथ करने की कोशिश की है मैंने। कि सांप का है जहर काटती है हवा, खोखले हमसे ढेरों तने हो गए। सांप का है जहर काटती है हवा, खोखले हमसे ढेरों तने हो गए। अब तो ऋतुएं बदलने
लगी आपसी, गर्मियों में भी कोहरे घने हो गए। कोहरे घने हो, वाह क्या बिंब। अब तो ऋतुएं बदलने लगी आपसी, गर्मियों में भी कोहरे घने हो गए। क्यों हो गए? अब तो फसलों की जगह खड़ी चिमनियां, खड़ी चिमनियां, अब तो फसलों की जगह खड़ी चिमनियां, किस बूते पे शहरों से शिकवा करें। आपको अगर प्यारी है तन्हाइयां, क्यों बेजान अधरों से शिकवा करें। और सुनो जी एक और फिर प्रहलाद जी आपको एक जानकारी दे देता हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक में रहा हूँ, मैं लगभग 34 साल और 13 दिन वहाँ पे बैंक में काम किया, और सिवाय कैश के अलावा कोई काम नहीं किया। और मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में मैं प्रतिभागी था, और उसमें मेरे 3 एपिसोड आए थे, और जो मेरा एक डायलॉग था वो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ। मैं इस गीत को पढ़ने के पहले वो पढ़ना चाहता हूँ। मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे बात करता हूँ। क्या बात है, आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखिएगा और आप आनंद लीजिएगा। अच्छा, मैं बैंक में कैश केबिन में बैठा हूँ, और मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला कर्मचारी बैठी है। एक दिन उनका फोन आया, उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो पीओन ने आवाज देकर के बोला था, मैडम आपके लिए फोन है। मैडम जब फोन अटेंड करके आई तो हमने अपने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए मैडम से सहजता से पूछा, मैडम किसका फोन था? आप किसी से भी पूछिए, उत्तर देने वाला अपने निराले अंदाज में उत्तर देता है। मेरे घर से फोन आए, पत्नी का और पड़ोसी पूछे किसका फोन था, मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरी पत्नी का फोन था, मैं बोलता हूँ मेरे गृह मंत्री का फोन था। सुनने वाला समझ जाता है किसकी पत्नी का फोन है। तो मैंने पड़ोसी मैडम से जब पूछा मैडम किसका फोन था, तो उन्होंने अपने अंदाज में मेरे को जवाब दिया, बोले कुछ नहीं मेरे हेड ऑफिस का फोन था। तो मैं भी हंसा, तो मैडम ने कहा नागोरी जी उसमें हंसने की क्या बात है। मैंने कहा मैडम मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब आपके एक हेड ऑफिस है तो फिर आपके कई सारी ब्रांचेस भी होंगी। तो मैडम मुझसे गुस्सा हो गई, बोले आप नागोरी जी ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं इसलिए आपके बहुत सारी ब्रांच होंगी। मैंने कहा मैडम ये कह के आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं, मैं भले ही पूरे देश में घूमता हूँ लेकिन मेरी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, ईश्वर की दया से जितने हैं वे सब एक्सटेंशन काउंटर है। तो जब से बैंक ऑनलाइन हो गई हमारे इश्क की तबाही हो गई, इधर एंट्री करो उधर पता चल जाता है, एक बटन दबाओ पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। तो मैं जब बैंक से रिटायर हुआ तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप रिटायरमेंट के बाद करोगे क्या, तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूंगा, बस यही मैंने इस गीत में लिखा है। लेकिन ये प्यार का गीत, क्या बात है, ये गीत सुनिएगा, थोड़ा माहौल को हल्का कर देता हूं। कि 60 बरस की उम्र में मैंने खोला प्यार का दफ्तर, कि 60 बरस की उम्र में मैंने खोला प्यार का दफ्तर, उस दफ्तर में वो आ बैठी बन के एक कलेक्टर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 महीने 7 समंदर उसको सैर कराई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मेरे मौला प्यार दिया तो दिया फाड़ के छप्पर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर। कि मेरे दिल पे राज है उसका, उसके दिल पे मेरा, अब पंक्ति सुनिएगा व्यास जी,
कि प्यार में ये होना बहुत जरूरी है जो दूसरी पंक्ति में, कि मेरे दिल पे राज है उसका, उसके दिल पे मेरा, वो बोली जब प्यार किया फिर क्या तेरा क्या मेरा, मेरे दिल पे राज है उसका, उसके दिल पे मेरा, वो बोली जब प्यार किया फिर क्या तेरा क्या मेरा, उसकी सांसों से चलती है मेरे दिल की धड़कन, उसकी सांसों से चलती है मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांसें ले आई बचपन में उसका बचपन, मेरी सांसें ले आई बचपन में उसका बचपन, एक लम्हे में सिमट गया है पूरा एक कैलेंडर। प्यार में वक्त कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता, पूरा एक साल एक सेकंड में सिमट गया, कि एक लम्हे में सिमट गया है पूरा एक कैलेंडर, वो कब मेरी जोधा हो गई मैं कब उसका अकबर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर, कि दुनिया वाले हमें देख के लैला मजनू कहते, हम हैं प्यार के वो झरने जो 12 महीने बहते, दुनिया वाले हमें देख के लैला मजनू कहते, हम हैं प्यार के वो झरने जो 12 महीने बहते। अभी अगली दो पंक्तियां सुनिएगा। मेरा मानना है कि प्यार में आप क्या हैं ये जब तक समाप्त नहीं होगा प्यार कभी सफल नहीं हो सकता, ये मैंने अगली पंक्ति में कहने की कोशिश की है। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, कि दुनिया वाले हमें देख के लैला मजनू कहते, हम हैं प्यार के वो झरने जो 12 महीने बहते, नदी को सागर के खातिर सब खोना पड़ता है, नदी को सागर के खातिर सब खोना पड़ता है, इश्क में यारो कुछ बदनाम तो होना पड़ता है, इश्क में यारो कुछ बदनाम तो होना पड़ता है, हमको दुनिया से क्या लेना हम हैं मस्त कलंदर, वो मेरे दिल की दिल्ली मैं उसकी जान जलंधर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर, मेरा प्यार सिकंदर, ओ मेरा प्यार सिकंदर।